मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस सदन का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, इन दिनों देखा जा रहा है कि देश में कैंसर के रोगी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो खतरनाक प्रकार का कैंसर होता है वो होता है ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में अक्सर ये माना जाता है कि ब्लड कैंसर के रोगी का जीवन बहुत कम है, क्योंकि उसको जो आवश्यक थेरेपी है, जिसे हम स्टेम सेल थेरेपी कहते हैं, उसका इस देश में बहुत बहुत बड़ी कमी है। महोदय, थैलीसीमिया के भी लोगों को भी इस थेरेपी का की आ सकता है। देश में 3 लाख से ऊपर मरीज हैं, पर वर्तमान में हर साल लगभग 2000 लोगों को यह थेरेपी मिल पाती है। मेरी सरकार से मांग है कि वह इस बारे में एक रजिस्ट्री करे और लोगों को अवेयर करने के लिहाज से काम करे। साथ साथ सरकारी अस्पतालों में जहाँ प्रसूतियाँ होती हैं, वहाँ लोगों के जो गर्भनाल को संरक्षित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था करे, जो क्योंकि ये उससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मिल सकता है, गरीबों को इसको इससे फायदा हो सकता है। बहुत एक मिनट सर, स्टेम सेल मैचिंग भी बहुत कठिन मामला है, बहुत ही खर्चीला मामला है। अतः सरकार को चाहिए कि इस दिशा में प्रयास करके उसको सस्ता बनाने के लिए तमाम सारी लेबोरेटरीज है उनके साथ कहीं टाई अप करे, और इससे नौजवानों में भी अगर अवेयरनेस आ सकेगी, सरकार अगर इस प्रकार से करके नौजवानों में अवेयरनेस ला करके इस समस्या का निदान खोज सकती है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी।